तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। पिछले ब्लॉग में जैसे आपने देखा, मैं हरी मंदिर आपको दिखाया था, अच्युतम केशव वाला, याद आया होगा आपको। तो आज मैं एक नए ब्लॉग के साथ आ चुका हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए, आपका हाल चाल ठीक है? एकदम सर्दी में बुखार बुखूर किसी को चढ़ा तो नहीं? मुझे तो चढ़ गया था। पर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर ओल्ड बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड। ऑटो स्टैंड के बाद मैं आपको दिखाऊंगा वो शनि मंदिर, अंदर बाहर से दिखाऊंगा क्योंकि वो मंदिर आज बंद है, क्योंकि वो शनिवार को खुलता है। फिर ऊपर मिलिट्री एरिया आपको मैं दिखाऊंगा, आगे मैं आपको रेस्ट हाउस दिखाऊंगा, ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले या बाद में करना है कर दीजिए, पर बीच में कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं। तो ये हमारे ऊपर को ये देखिए, ये हम नीचे से बोल रहे थे। तो गाइस, बस स्टैंड आ चुका है, ये देखिए कितनी सारी हम इस वक्त बस खड़ी देख सकते हैं। ये ठीक है, तो देखिए गाइस कितनी सारी सुख बस हम देख सकते हैं। यहाँ आसपास दुकान है। तो गाइज आ चुके हैं हम आगे को, ये देखिए ऑटो स्टैंड में आपको दिखाऊंगा। देखिए इस वक्त सारे ऑटो है नहीं यहाँ पर, लेकिन यहाँ को भी है। ये देखिए सारा ही ऑटो स्टैंड, इतने सारे यहाँ पर ऑटो नजर आ नहीं रहे हैं इस वक्त। पर यहाँ पर ये देखिए जो खाली जगह है, यहाँ पर हर संडे को सब्जी मंडी लगती है। हर संडे को बारिश हो या तूफान हो या आंधी हो, यहाँ पर सब्जी मंडी लगेगी। ऑटो देख सकते हैं हम बहुत सारे यहाँ पर, इतने सारे तो है नहीं पर है, 5-6 तो है ही है। तो ये देखिए सामने ये सारी दुकानें, निकॉन, ये बहुत फेमस ये दुकान है, मोहन स्टूडियो, बहुत बहुत ज़्यादा फेमस ये दुकान है निकॉन। बहुत ज़्यादा रश भी देखने को मिलता है दुकान को आज। देखिए सैमसंग, LG, यहाँ पर LED भी है। और यहाँ पर देखिए जो सामने, यहाँ पर ये मूकरियाँ लगा कर बैठे अंकल, यहाँ पर ये मूंगफली लगाते हैं अंकल, और रात को यहाँ पर बर्गर बनाते हैं अंकल, एक गोलगप्पे बर्गर चाट, बहुत टेस्टी वो होती है। तो आइए आगे को चलते हैं। अभी बस जा रही है, देखिए सामने कुमार बेकर्स, ये भी बहुत टेस्टी करना बनाते हैं केक वगैरह सब। ये ऊपर को जाएंगे हम, मिलिट्री एरिया है। आगे हम जा नहीं पाएंगे मिलिट्री एरिया, वो देखिए बंदर है आगे, बंदरों से मुझे डर लगता है जी जरा सा। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए अंदर आप देख सकते हैं शनि मंदिर है, ये बंद है। हर सैटरडे को यहाँ खुलता है, लेकिन हर सैटरडे को यहाँ पर रश, भाई रश बहुत होता है यहाँ पर, बहुत दीपक जलाए जाते हैं यहाँ पर, दिए ही दिए होते हैं, दिए से अलग ही मज़ा आता है देखने का। अंदर तो मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता ना, अंदर जा सकता हूँ मैं,
पर यहाँ पर एक भंडारा भी होता है, बहुत दो टेस्टी भंडारा होता है। तो मुझे लगता है वो बंदर जा चुके हैं अंकल, क्योंकि वहाँ से आ रहे हैं ऊपर से, पर हम रिस्क नहीं लेंगे। चलो देखते हैं फिर भी जाकर क्या बनता है, क्या सीन है। तो लगता है बंदर चले गए सारे। मुझे आगे वो बंदर लगता है चले गए, लेकिन वो आगे बैठे हैं ऐसे मुझे लग रहा है। वो परे हरी टीम के पास है बंदर, पर वो सामने आप गेट्स देख सकते हैं, मिलिट्री एरिया कंटीन है। यहाँ आकर बहुत शांति लगती है, जब भी कभी मूड ऑफ हो तो यहाँ आ जाए, ब्रेकअप ब्रूकअप हो गया हो कभी किसी का तो यहाँ आकर बैठ जाइए, अरिजीत सिंह के गाने लगा दीजिए और सुनिए आराम से बैठ कर। तो चलिए चलते हैं नीचे को, मैं अकेला ही हूँ यहाँ पर, मुझे भागना पड़ेगा अब, पर बंदर है नहीं, डर लगता है मुझे बंदरों से वैसे बहुत। तो हम नीचे को आ गए हैं, तब तक जब तक हम नीचे पहुंचेंगे तब तक सब्सक्राइब मी प्लीज़। ज़रा दो इंग्लिश के शब्द भी बोलने ज़रा लगना चाहिए, फैंसी आदमी है भाई सोनू का। चलिए आ गए नीचे को, देखिए फिर से शनि मंदिर को देख लीजिए। अभी देखिए मेरे पेपर है, पर फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाई है मैंने। इस सैक्रिफाइस के लिए मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब। देखिए पार्किंग बहुत सारी यहाँ पर, ये जितनी भी लाइन है ये सारी पार्किंग है, और ये अब 1 किलोमीटर बाहर जाकर हटेगी ये पार्किंग। यहाँ पर जैसे कोई भी रिश्तेदार आता है वो बोलता है कि यहाँ पर पार्किंग की बहुत झंझट है, तो क्या आना तुम्हारे घर। मैंने बोला भाई पार्किंग ही पार्किंग है, कहीं भी लगा दो। देखिए थार, ये के नीचे को बाजार जाता है जो मैंने आपको बताया था, राम बाजार। देखिए नीचे को रास्ता जाता है जवाना जी रोड नाम का। बहुत ही स्पीड से यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं। तो हम ये ऊपर को जाते हैं रेस्ट हाउस की तरफ को, दिखाता हूँ आपको कितनी सारी यहाँ गाड़ियाँ लगी है। रेस्ट हाउस आ गया है, देखिए यहाँ सारे आते हैं, जितने भी मंत्री आते हैं वो सारे यहीं पाए जाते हैं। ये नीचे देख सकते हैं आप, ये पुलिस स्टेशन है, और ये आप सामने सीनरी, ये देखिए पीला पीला आपको दिख रहा है, ये मंदिर है शूलिनी माता का मंदिर। ये क्या सीनरी लग रही है, वाह, धूप एकदम सनशाइन कर रही है। देखिए सारा तो बस इतना ही मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं गाड़ियाँ सारी। चलिए वापस को चलते हैं। तो ठीक है गाइस, यहाँ मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। जैसे आपने मेरे ब्लॉग में देखा ओल्ड बस स्टैंड मैंने आपको दिखाया, वो दिखाया, आप क्या बोलते हैं उसको, रिक्शा स्टैंड दिखाया आपको, मैं भूल गया था। और ये भी आपको रेस्ट हाउस दिखाया है। ये थोड़ा छोटा ब्लॉग था, लेकिन मैं ऐसे ब्लॉग निकाला रहूँगा। और कल है रिजल्ट मेरा नहीं है, ये इलेक्शंस का है, तो इलेक्शन में मैं आपको दिखाऊँगा क्या माहौल बनता है। तो चलिए मुझे तब तक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे प्यार दीजिए। तो चलिए ठीक है, बाय बाय गाइस, बाय।